स्वागत है आपका अपना चैनल देसी खाना में। आज हम जा रही हूँ झींगा मछली के फ्राई बनाने, जो कि बहुत ज्यादा स्वाद होते हैं। तो चलिए हम झींगा मछली का फ्राई बना। देखिए, ये है झींगा मछली जिसे हम फ्राई करेंगे। अब बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है ये। तो चलिए हम सबसे पहले गैस जला लेते हैं। गैस जला लिया है हमने, फ्राई पैन रख दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए, ये हमारा 10 से 12 कली लहसुन था, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, ये डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डाल देते हैं। फिर हमने ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये ज्यादा तीखा नहीं होता, कलर करता है। आधी चम्मच हल्दी लिया है, ये हम सारे इसमें डाल देते हैं। और ये है कॉर्नफ्लोर जो मैंने इस चम्मच से भर के 3 चम्मच लिया है, ये भी हम सारे इसमें डाल देते हैं। फिर हम इसमें डालते हैं ये आधा नींबू। हमने ये नींबू डाल दिया है। अब ये मेरा फ्राई पैन भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तो ये हमें फ्राई करना है, इसलिए हम ज्यादा तेल डालेंगे। तेल डाल दिया है। अब हम इसको अपनी हाथों से इसको मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिला के फिर हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा स्वाद बनते हैं। देखिए, देखिए ये मिल गया है। अब मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो हम एक एक करके इसमें गिरा देते हैं। ये बहुत जल्दी फ्राई होकर तैयार हो जाता है। तो हम एक एक करके गिराएंगे, बहुत ज्यादा स्वाद भी होता है खाने में। गिरा दिया है। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। अब हम इसे साथ के साथ पलटते भी जाएंगे। कितना अच्छा बन रहा है ये, बहुत जल्दी बन जाता है। पकने देते हैं, तब तक हम ये चटनी बना लेते हैं। तो ये हमारा चटनी है, मूली के पत्ते की। ये हमारा फ्राई हो रहा है, हम तब तक ये चटनी बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए। देखिए, ये 4-5 हमने कच्चाई है लाल मिर्च लिया है, और ये है मूली के पत्ते, छोटे छोटे जो होते हैं बीच के मूली के पत्ते, इसको हमने धो के ले लिया है। इसकी चटनी बहुत अच्छा बनता है। तो हम ये पत्ते की चटनी बनाएंगे। देखिए, और हम इसमें ये देखिए ये 5-7 लहसुन की कली है, वो डाल देते हैं। इसमें नमक डाल देते हैं और ये आधी नींबू है, इसे हम निचोड़ देते हैं इसी में।
उसी के साथ हम इसे पीस लेते हैं। देखिए ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल लाल लाल हो गया है, अब हम इसे निकाल के निकाल लेते हैं। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा बनता है ये। जितना देखने में सुंदर लगता है उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। अब जो ये है इसे भी हम डाल देते हैं, इन सबको भी हम डाल देते हैं। इन सबको हम डाल दिया है। देखिए तो मेरा सारा बनके तैयार हो गया है। हम गैस बंद कर देते हैं, सारे को निकाल लेते हैं इसमें। देखिए कितना मजेदार बनके तैयार हो गया है, बहुत अच्छा बन जाता है। बनके तैयार हो गया है। अब हम आपको प्लेट में कर डाल के दिखाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये, बनके तैयार हो गया है। देखिए अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।